अगर कोई इम्पोस्टर आपके क्रूमेट को किल करके इवेंट यूज करता है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो किस रूम में इवेंट के थ्रू गया है। उस रूम का इवेंट ओपन होकर क्लोज होगा। आप इम्पोस्टर को नहीं देख सकते लेकिन इवेंट देख सकते हो किस रूम में गए। तो जाके सीधे उस रूम में जाइए और देखिए कौन था इम्पोस्टर और उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। ये थी छोटी सी ट्रिक। अगर कोई इवेंट यूज करके ऊपर की तरफ आना चाहता है इस रूम में, सिर्फ इस रूम में इवेंट यूज करके ऊपर की तरफ आना चाहता है तो वो राइट के साइड मूव करके ऊपर आएगा। देखना, ये कंफर्म तो नहीं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। 1 करोड़ 1%। अगर आपको सैबोटेज करना है तो आप इस वाले टास्क पे आके सैबोटेज कर सकते हैं, इस वाले या फिर ये कैन वाला है उस पे आके कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े जिस टास्क में बड़ा बहुत वक्त लगता है उस टास्क पे जाके से भी टच करना। और याद रखना ये वाला ट्रैश का टास्क है उस पे आके कभी से भी टच मत करना वरना आप सीधे पकड़े जाएंगे। उसका रीजन आपको अगले ट्रिक्स और टिप्स में मिलेगा। और आप कभी भी ये वाले और आप कभी भी ये वाला टास्क के लिए भी सेबोटेज मत यूज करना क्योंकि ये टास्क करने में सिर्फ 1-2 सेकंड लगते हैं। याद रखना ऊपर के दो वाले जो जगह है उधर ही जाके सेबोटेज यूज करना है, नीचे वाली जगह पे जाके सेबोटेज नहीं यूज करना। अगर आपका क्रूमेट ये वाला टास्क कर रहा है तो याद रखना इधर से कचरा भी नीचे गिरेगा और अगर इम्पोस्टर यूज करेगा तो कचरा नहीं निकलेगा। अगर कोई सिक्योरिटी कैमरा चेक कर रहा है तो सिक्योरिटी कैमरा ब्लिंक करेंगे रेड कलर में और जैसे वो चेक करना बंद करेगा तो सिक्योरिटी कैमरा की रेड लाइट भी ऑफ हो जाएगी। अगर आप एडमिन के रूम में ये वाले ये जो है पता नहीं क्या है इसको अगर यूज कर रहे हो और अगर इम्पोस्टर ने किसी को मारा तो वो एक क्रॉस बनेगा। देखना अभी मेडवे में एक इम्पोस्टर एक क्रूमेट है, अगर इम्पोस्टर क्रूमेट को मारेगा तो क्रॉस करेगा। देखा देखा आपने? नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी एक और बार देखा था स्लो मोशन में। अभी देखना वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो जल्दी से वहां जाके जाके और देखिए कौन वहां से बाहर निकला और वही इम्पोस्टर होगा। अगर आपको किल करना है और बहुत सारे लोग बचे, अगर आप इम्पोस्टर हो और आपको किल करना है तो पहले तो लाइट बंद कीजिए और बहुत सा तो लाइट फिक्स करने के लिए बहुत लोग आएंगे उन जो उसके जून में जाके घुसिए और किल कर दीजिए। जून की वजह से किसी को पता नहीं चलेगा किसने मारा। अगर कोई आपका क्रोमेट वाला टास्क कर रहा है तो गन्स में से गोलियां भी निकलेगी रेड कलर की, देखा था। और अगर कोई इम्पोस्टर करेगा तो ये गोलियां नहीं निकली तो पकड़ लेना इम्पोस्टर को। देखना क्या
कैमरास को नाइट विजन भी है, ये अभी दिखाता हूँ। अभी लाइट है और कैमराज में हमें क्लियरली दिख रहा है। जब इम्पोस्टर ने लाइट बंद कर दी, जाके सीधा कैमराज में देखिए, क्योंकि कैमराज लाइट जाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, उधर क्लियरली देख सकते हैं हम इम्पोस्टर्स को और क्रूमेट को। तो अगर इसके भी कैमराज के आगे कोई इम्पोस्टर किल करता है लाइट ना होने के फायदे से, तो आप इधर देख सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को क्लियरली देख सकते हैं। हमारे 10वें और आखिरी टिप्स, अगर हम आप गलती से सबके सामने किसी को किल कर देते हैं, तो ज्यादा घबराए मत, जाके सीधा लाश पे खड़े रहिए, उससे आप लाश को गायब कर सकते हैं। देखिए इस तरह अभी लाश किसी को दिखेगी भी नहीं, तो बस वो आगे निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां किल हुआ था। तो गाइस यही था वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना जरूर प्लीज यार, हमें 100 सब्सक्राइबर के तौर जल्दी से पहुंचना है। सब्सक्राइब कर दो यार, मैं मिलता हूँ आपको ऐसे 10-10 वीडियो में।